देखते हैं सर ये आर्थिक सर्वेक्षण अभी तक के जो आपने कौशल उन्नयन योजना बनाई 5 साल आपने लागू किया बजट में बताते कितने करोड़ लोग नौजवानों को कौशल उन्नयन के तहत उनको रोजगार मिला ये आंकड़े भी उन्होंने भी बताए और भी है वो अभी तक के 2 अंकों में नहीं पहुँचा पाए हैं 3 साल में लगातार ही रहा है जबकि उसके पैमाना आम बदल गया उसके बाद भी लगातार उसमें गिरावट आ रही है इसका विषय है कि पिछले 5 साल में 5 साल में तो आप किस तरीके से देखिए जब तक के आप छोटे उद्योगपति हैं उद्योगपति हैं के लिए आप योजना नहीं बनाएंगे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भी विकास होगा ये केवल चंद बुद्धि पर बड़े उद्योगपति को ही बढ़ाने के जो नीति नरेंद्र मोदी सरकार के लिए देश का बहिष्कार कहा है उन्होंने बजट बजट को नहीं बोला है उन्होंने बोला है इस पर नया नाम दिया है देश का बहिष्कार नाम बदलने में माहिर है सिक्का पर रखा गया आपने इस प्रकार से आकांक्षी योजना आकांक्षी जिला घोषित कर दिया लेकिन आकांक्षी जिला घोषित करने के बाद 1 पैसा भी नहीं दिए तो नाम भर देते थे क्या होता है आप विकलांग तो दिव्यांग कर दीजिए लेकिन उसके लिए कुछ योजना आएंगे तब ना हो 10 में से कितना नंबर देते हैं 5 साल आपने देखा है जारी जारी रहा जो नौकरियाँ थी वो छूट गई जो उद्योग थे वो बंद हो गए वो पिछले समय जीरो था तो अभी कौन सा होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे एक रुपये रेट बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी ये रुकने वाला नहीं है जबकि उसमें छूट देने का आवश्यकता थी थैंक यू सर स्टेट के लिए आपने जो मेरे का रिलेशन है कि स्टेट की आवाज़ ही नहीं सुनी जाए तो देखिए नीति आयोग में जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो डिमांड की उसको भी शामिल नहीं किया गया हमारी बात छोड़ दीजिए मीटिंग कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो जो जिन किसानों को आदिवासी क्षेत्र में जो अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार अधिमान्यता पत्र जिनको दिया है हमने निवेदन किया था उन किसानों को बल्कि 6,000 के बदले 12,000 रुपया प्रति किसान मिलना चाहिए क्योंकि जंगल में रहते हैं सिंचाई भी नहीं है और वो जमीन उपजाऊ भी नहीं बन पाया है ऐसी स्थिति में उन किसानों को जिनको अधिमान्यता पत्र मिला है उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए जो अभी लगभग 4.5 लाख की संख्या है उन किसानों को दिया जाए तो उसको भी शामिल नहीं किया गया है और जो प्रत्येक घर में जो जल पहुंचाने के लिए या फिर सड़क बनाने के लिए जो स्टेट शेयर है उसमें भी खासकर नक्सली क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए जो 70% एक समय मिलता था उसको 60-40% कर दिया गया है और अभी जो प्रत्येक घर में जल पहुंचाने की जो बात कर रहे हैं घर उसमें भी स्टेट शेयर रहेगा हमने निवेदन किया था कि इसे 70% केंद्र का अनुदान मिलना चाहिए मकान के लिए भी और जल के लिए नहीं दिया गया उसमें गांधी पीढ़िया बनाने की तरफ जो है सरकार जा रही है गांधी पीढ़िया बनाएगी ये प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मुख्य बात तो यही है कि जो गांधी जी के जो आदर्श हैं जो सबसे पिछड़े जो जिला जिसमें छत्तीसगढ़ में 10 जिला चिन्हांकित किया गया जो नक्सली प्रभावित भी नक्सली प्रभावित के अलावा जिसमें राजनांदगांव जिला है महासमुंद जिला है और कोरबा इसको सम्मिलित किया गया है तो अंतिम छोर के व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो फिर ये केवल प्रचार ही तंत्र ही होगा जो मूल उद्देश्य गांधी जी का है।